स्वागत करती हूँ। अगले वीडियो में हमने भाषा और व्याकरण के बारे में सीखा, आज हम शब्द विचार के बारे में जानेंगे। शब्द विचार, आप जानते हैं कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा का निर्माण विभिन्न प्रकार की ध्वनियों से हुआ है, तो लिखित भाषा उन्हीं ध्वनियों के संकेत चिन्हों से बनी है, अर्थात विभिन्न प्रकार की ध्वनियों से ही भाषा का निर्माण हुआ है, जिसकी सहायता से हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा में शब्द एक अहम कड़ी है, जिसका निर्माण ध्वनियों के सार्थक में से होता है, जैसे ह प्लस ई प्लस म प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस य प्लस अ बराबर। ये शब्द जुड़कर बना हिमालय, वर्णों के मेल से शब्द बनता है। इस प्रकार शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्द की परिभाषा है ध्वनियों का ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, उसे शब्द कहते हैं। अब शब्दों के चार भागों में शब्दों को बांटा गया है, उसमें पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, चौथा है प्रयोग के आधार पर। अब पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। इस आधार को पांच वर्गों में बांटा गया है। हिंदी भाषा में अलग अलग भाषा का शब्द का उपयोग किया जाता है, जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, तुर्की, जापानी, ये इसलिए इसका पांच वर्गों में बांटा गया है। उसमें है पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा देशज या देशी शब्द, चौथा विदेशी शब्द, पांचवा संकर शब्द। पहला रूप तत्सम शब्द। तत्सम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, तत् प्लस सम। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान, तो इसका शब्द बना इस प्रकार, तत्सम शब्द का अर्थ हुआ उसके समान। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से आए हैं, जिनका प्रयोग उसी रूप में हिंदी में भी किया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे सत्य, रात्रि, सूत्र, सूर्य आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द भी दो शब्दों के मेल से बना है, तद यानी उससे प्लस भव पैदा हुआ, तो उसका अर्थ हुआ उससे पैदा हुआ। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति संस्कृत शब्दों से हुई है, हिंदी में इनका रूप परिवर्तित हो गया है, ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे चांद, जीभ, हाथ आदि। अब देशज या देशी शब्द, जो शब्द अपने ही देश की बोलियां या भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे पगड़ी, खटपटाना, झाड़ू, छतपर आदि। विदेशी शब्द, जो शब्द हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए हैं उसे विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग की जाने वाली भाषा है, विदेशी भाषा कौन कौन सी है, अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, रूसी, जापानी और पुर्तगाली, ये सभी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले शब्द आते हैं। अब संकर शब्द, संकर शब्द की परिभाषा, ऐसे शब्द जो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं, वे संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे लाठी, तो लाठी है हिंदी शब्द,
चार्ज, तो चार्ज में अंग्रेजी शब्द, तो ये दोनों शब्दों का मेल हुआ तो बना लाठी चार्ज, तो ये शब्द है संपर्क शब्द बना। दूसरा है सील, सील है हिंदी शब्द, बन बन है फारसी शब्द, तो इसके मेल से बना शब्द सील बन, तो सील बन है वह संपर्क शब्द बना। रचना के आधार पर शब्द है, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद है, पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। अब पहला है रूढ़ शब्द, उसकी परिभाषा क्या है? रूढ़ शब्द की परिभाषा है जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होते आ रहे हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। उन वर्णों के टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे दीवार, हाथी, चित्र, आदमी, विद्या आदि। दूसरा है यौगिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे विद्या प्लस अर्थी, तो शब्द बना विद्यार्थी, देव प्लस दूत, शब्द बना देवदूत, पुस्तक प्लस आलय, तो शब्द बना पुस्तकालय, फूल प्लस दान, तो शब्द बना फूलदान। ये दो वर्णों के मेल से बनता है। अब तीसरा है योगरूप शब्द, योगरूप शब्द की परिभाषा ये है, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मेल से बने हैं परंतु अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें योगरूप शब्द कहते हैं। योगरूप शब्द के उदाहरण पंकज, दशानन, चतुर्भुज, नीलकंठ आदि। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, पहला है सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द की परिभाषा क्या है? ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे घर, पानी, रात, पुस्तक आदि। दूसरा है निरर्थक शब्द, वर्णों के अर्थहीन मेल को निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे पढ़ना वढ़ना, पानी वानी आदि। अर्थ और अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के भेद, सार्थक शब्द के भी छह भेद हैं, पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा पर्यायवाची शब्द, चौथा विलोम शब्द, पांचवा श्रुति संबंधार्थक शब्द, छठा वाक्यांशों के लिए एक शब्द। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, जैसे पीड़ा, दर्द, नृत्य, नाच, दोनों का एक ही अर्थ होता है, गृह, घर आदि। दूसरा है अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग एक से अधिक अर्थों में किया जाता है वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे कर, कर का हाथ, किरण, टैक्स, कुल, तो कुल का वंश भी होता है और सब भी होता है, सोना, सोना का सो जाना भी होता है और स्वर्ण भी होता है। तीसरा प्रकार है पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे आकाश, गगन, आसमान, पानी का नीर, जल, वायु, कमल का नीरज, जलज, पंकज। चौथा प्रकार है विलोम शब्द, विलोम शब्द जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, जैसे सुख, तो उसका विपरीत अर्थ हुआ दुख, लाभ, तो उसका विपरीत अर्थ हुआ हानि, सरल, तो उसका विपरीत अर्थ हुआ कठिन, उन्नति, तो उसका विपरीत अर्थ हुआ अवनति, निंदा, तो उसका विपरीत अर्थ हुआ स्तुति, आय, तो उसका
विपरीत अर्थ हुआ व्यय। श्रुति संविनार्थ शब्द, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी वर्तनी में भिन्नता होते हुए भी उच्चारण में इतना कम अंतर होता है कि वे एक समान सुनाई देते हैं, परंतु उनके अर्थ सर्वथा भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को श्रुति संविनार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अन्न तो अनाज, अन्य तो दूसरा, और तरफ और तथा, जरा बुढ़ापा, जरा थोड़ा, नीर जल, नीर घोंसला, शाम संध्या, श्याम सावला, कुल वंश अथवा सब, कुल किनारा तट। अब वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के स्थान पर आने वाले एक शब्द को वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे उपकार को मानने वाला, उसका एक शब्द बना कृतज्ञ। उपकार को न मानने वाला, उसका एक शब्द बना कृतघ्न। जो आज्ञा का पालन करता हो, उसका एक शब्द बना आज्ञाकारी। जो सरलता से प्राप्त होता है, उसका एक शब्द बना सुलभ। कोई
परिवर्तन विस्मय अभिबोधक में नहीं आया। धन्यवाद।